कंज्यूमर्स में भी बहुत डर है कि नौकरी जाएगी, चीज़ें नहीं मिलेगी, तो क्या एक स्पष्ट रूप से कहा जाए कि प्लास्टिक बैन हो रहा है या किसी भी फॉर्म में? देखो, पहले तो प्रधानमंत्री जी का भाषण आप अगर ठीक समझोगे तो उन्होंने बहुत साफ किया है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक है वो उपयोग ना करेगा, ये एक तरह से जन आंदोलन है। जहाँ तक उसकी क्लैरिफिकेशन और एडवाइजरीज है वो एनवायरमेंट मंत्रालय बार बार देती है, लेकिन अपने देश का प्रॉब्लम ये है कि एक रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक है वो भी इकट्ठा नहीं होता और वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता। तो 2 तारीख से जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सभी 10 करोड़ जनता उसमें सहभागी हो और गांव-गांव में सभी कचरा पूरी तरह से इकट्ठा करें, प्लास्टिक का कचरा कहीं ना बिखरा पड़े, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन है स्वच्छ भारत के निर्माण में और वेस्ट मैनेजमेंट में, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बैन नहीं होगा तो जीरो सैनिटिंग कर रहे थे, ये गलत है, मैं सबसे खुशी इंतजार करता हूँ। प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार करती है कुमार को लेकर जो है कोई एक्शन हामी नहीं भर रही, किस तरीके से देख रही? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कोर्ट बार बार पूछ रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आप देशद्रोही नारों के खिलाफ जो मुकदमा है उसकी परमिशन दे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री है कि जो देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं यही कहना पड़ेगा। क्या नारे लगे जेएनयू में? देश के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जंग चलेगी जंग चलेगी, भारत की बर्बादी, भारत के बर्बादी तक, एक अफजल मारोगे तो हर घर में अफजल पैदा होंगे और अफजल तेरे कातिल जिंदा है अब शर्मिंदा है, ऐसे नारों का अरविंद केजरीवाल समर्थन करता है ये अब साफ हो गया, क्योंकि अगर समर्थन नहीं करता तो केस को परमिशन देता, लेकिन उन्होंने बार बार कोर्ट के कहने पर भी केस को परमिशन इसलिए नहीं दी है कि मन से वो इन घोषणाओं का समर्थन करता है, यही उसका सबूत है। और इसलिए पूरे दिल्ली में जनता में इसका बहुत आक्रोश है, कौन उसमें दोषी है ये तय करना कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट में केस जाने ही नहीं देना ये मुख्यमंत्री का पाप है और ये सबूत है कि वो देशद्रोही नारों का पूरा समर्थन करते हैं, यही आज साबित हो गया। उनका जो 2 मुख से बोलते थे वो आज पर्दाफाश हो गया उसका, और इसलिए पूरे दिल्ली से आक्रोश है और हम इस सरकार की कृति का भर्त्सना कर रहे हैं। सर प्रकाश जी, क्या जैसे कि 3 राज्य चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे नेतृत्व तय कर दिया गया है, क्या दिल्ली में भी नेतृत्व तय कर दिया आप लोगों ने कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा? जब भी कोई घोषणा होती है हम जरूर करेंगे। ऐसा है, सारे सवाल का आज ही जवाब दूंगा तो फिर आप बार बार आओगे नहीं? मोदी को लेकर एक सवाल है, कांग्रेस लगातार सवाल करे जा रही है, काफी सारी एलिगेशन लगाई जा रही है कि इकोनॉमी को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन हाउडी मोदी को प्रमोट किया जा रहा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया है और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है और कोई हमारा ऐसा क्राइसिस का स्थिति नहीं है। साइक्लिकल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में कर्जा कम देने के कारण कुछ रिएक्शंस हमें दिखती है, लेकिन सरकार लगातार स्थिति को संभालने के लिए लगातार उपाय करती है, यही तो सरकार की एफिशिएंसी है, तो ये सच नहीं है। और हाउडी मोडी में लोगों ने बुक करके पूरा स्टेडियम पूरा हाउसफुल हो गया, अब इसको कांग्रेस में तो ऐसा कभी नसीब नहीं हुआ, तो उनको
अंगूर बेर कुछ भी बहुत खर्चे लगते हैं। सर सर ये मनोज तिवारी आपके बगल में बैठे हुए हैं, क्या मनोज तिवारी अध्यक्ष हैं क्या इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मनोज तिवारी दिल्ली भारतीय प्रदेश के अध्यक्ष है और अभी उन्हीं के अध्यक्षता में हमारी सारी बैठक है। सीएम को सर दिग्विजय सिंह टाइम एंड अगेन एमिंग बीजेपी एंड अक्यूजिंग ये बयान था पिछले कुछ दिनों की आज युवा वस्त्र पहनकर बलात्कार करते हैं। टुडे आल्सो वी ट्वीटेड दैट सैफ्रन क्लैड रेपिस्ट्स, हाउ डू यू लुक एट इट सर? भाई साहब दिग्विजय सिंह जी अब जो बोलते हैं उस पर कांग्रेस भी प्रतिक्रिया नहीं देती तो हम क्यों देंगे? लेकिन एक उनकी मानसिकता हमेशा रही है, हमने देखा है मुंबई ब्लास्ट के बाद से भी, तो ये इसी तरह से बोलते रहे। प्रकाश जी आपकी पुरानी सहयोगी शिवसेना वो कह रहे हैं उनके नेता की अगर 50-50 बंटवारा नहीं होगा तो युति मुश्किल हो जाएगी। आप देखते रहिए, अभी मैदान एकदम पास है, थोड़े दिनों में आपको खबर मिलेगी। आपने दिल्ली पे बुलाया कि दिल्ली पे आप बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे, दिल्ली में बहुत सारे सवाल आपके ऊपर ये हैं कि जिस तरीके से आप बैठकें भी ले रहे हैं, बैठकों में एक ही चीज़ निकल कर आई है कि आप जिस तरीके से केजरीवाल अपनी हर योजना के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी उसका मतलब स्टार्ट करने के लिए अपने पोस्टर नहीं लगा पाई, उनकी प्रदर्शन तक नहीं कर पा रही, तो ऐसे में आप दिल्ली के अंदर किस मुद्दों को लेकर राजनीतिक? ऐसा है दिल्ली का अभी जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हुआ उसकी एक वास्तविकता देखी है कि वो आम आदमी पार्टी हार्डली एक या दो विधानसभा में भी नहीं जीते हैं, एक में भी नहीं जीते हैं, और बीजेपी 65 से ज़्यादा विधानसभाओं में जीती है, भारी बहुमत से जीती है, दो नंबर पर कांग्रेस है। 2015 से 2020 बहुत बदला है, जो उनको भी समझ में आएगा। ऐसा है विधानसभा चुनाव की घोषणा होने दो, कुछ विषय तो उसी समय बताएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केरला का कुछ फ्लैट डिमोलिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या As far as Kerala flats is concerned, the clearance was given by Kerala government. And so, Supreme Court has not asked the party to leave. So they want to evolve the solutions. And हम किसी भी नागरिक को जिसका दोष है उसको ही सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारी हमेशा एक प्रिंसिपल रहा है। लेकिन इस केस के बारे में मैं किसी को कहूंगा क्योंकि हमारे पास अभी विषय नहीं आए। ट्रांसपोर्ट को लेकर कानून बने हैं, भारी ट्रांसपोर्ट है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। एक मिनट मैं आपको एक मिनट मैं पूछता हूँ, आप जो इतने लोग आए हैं आपको किसी को चलन हुआ है क्या आज आने के लिए? एक मिनट कभी उसका नहीं ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि आप जो स्पीड लिमिट है उसी में चलाते हो, आप कार है तो ये लगा रहे हो, बेल्ट लगा रहे हो, आप अगर टू व्हीलर हैं तो हेलमेट डाल रहे हो, आपके पास गाड़ी के सारे कागजात हैं, आपके पास PUC है, इसलिए आप अच्छे नागरिक हैं तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है। थैंक यू।